नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सितारगंज में रविवार को साय से ही रुक रुक कर हो रही बारिश से क्षेत्र में व्यापक जलभराव हुआ है। किसानों की तैयार धान की फसल जलभराव से प्रभावित है। मंडी में सैकड़ों ट्राली ढकी होने के बाद भी हजारों क्विंटल धान भीग गया है और काफी मात्रा में बह भी गया है। सहकारी क्रय विक्रय समिति में धान की खरीद ना होने से किसानों का कहना है कि समिति ने समय पर धान की खरीद की होती तो उनका धान खराब नहीं होता। रविवार की साय से क्षेत्र में हो रही वर्षा से नगर के खटीमा रोड, जेल कैंप रोड और किच्छा रोड पर व्यापक जलभराव हुआ है। उप जिला अधिकारी कार्यालय और तहसील परिसर भी जलमग्न हो गए हैं। क्षेत्र में सरसों की बोई जा रही फसल का भी नुकसान हुआ है। मंडी में आढ़तियों और किसानों का भी काफी धान बारिश से भीग गया और पानी में बहने लगा। मंडी में वर्तमान में हजारों क्विंटल धान पड़ा है। किसानों के अनुसार उनका धान बारिश के कारण खराब हो गया है। सितारगंज से हमारे संवाददाता दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। कोई नहीं, मैं दो दिन हो गए, दो बारिश की वजह से वो आएंगे ही नहीं, लग रहा है। क्या नहीं है? क्यों नहीं है? बारिश होती रहेगी, तिरपाल से भी पानी अंदर जाने का खतरा है। वो तो अपनी सुरक्षा कर रखी है जैसी तैसी। खाना खाया है? खाना खा लिया? हाँ, अभी खाना खा रहे थे। बार खाना खाएंगे बारिश में। धान अपना रात में जागते हुए बचाया, इधर जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा था, क्या करे, डंडे लगा लगा के ऊपर किया। नीचे हमारी चप्पलें थी, इतना बारिश हुई इतनी कि चप्पलें भी बह गई भाई। वो तो बहुत दूर जा गए मिली हमारी चप्पलें। कहीं सोए रात में? अरे कहाँ सो पाते हैं बारिश में, ऐसे ही सोए होंगे थोड़ा एक आध घंटा। किसान खुश कहाँ, किसान को तो बस सुविधा जो खाली नाम की सुविधा है, मिलना उलना कुछ नहीं है। अब इनका तो कटौती उतना चलना ही चलना है। कटौती ना हो इसमें वो पूरी वो आश्वासन दे दे सरकार, तब गारंटी दे कि हाँ जो MSP रेट है उससे मतलब नीचे बिल्कुल ना खरीदो। खरीद तो नहीं, मतलब कटौती जा रहा है। कटौती ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कटौती नहीं होनी चाहिए बस। सरकार को कहेंगे ये नियम का यहाँ फॉलो करवाए, जो आप नियम बना रखा है, वरना इस नियम को तोड़े, जैसे पहले था वो ही रहने दे, पहले सही। कहाँ रहते हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? ये बहुत ही कहर बरपा है, ये जो कुदरत की मार है किसानों, किसान तो हर तरीके से मर ही रहा है। गवर्नमेंट भी मार रही है, बाकी जो ये कुदरत की मार है। अभी तो ये देखिए धान, ये आपको दिख ही रहा होगा किसानों का कैसे पड़ा है। सरकार की तरफ से भी कोई व्यवस्था नहीं है। और मंडी, अगर ये धान यहाँ पर नहीं पड़ा होता, अगर सरकारी खरीद टाइम से हो गई होती, तो ये धान यहाँ पर ऐसे मंडी में खराब नहीं हो रहा होता। किसान तो वैसे ही बर्बाद हो चुका है। खेतों में जाके देखिए इस टाइम जो इतना इतना पानी खड़ा हुआ है धान के ऊपर, बताइए किसान क्या करेगा। अब जो ये कहते थे कि फसल बीमा योजना है, अब देखेंगे ना कि वो फसल बीमा योजना हमें कितनी मिलती है। कुछ नहीं है जी, किसान बर्बाद होने के कगार पे है। किसान का कोई सुध लेने वाला नहीं है। अब बताइए ये धान का क्या होगा, जो ऐसे पड़ा है ये खराब हो गया समझ लीजिए, ये जम जाएगा, उग जाएगा। हर तरीके से देख के हमें रोना आता है। देखते हैं हम जब चारों तरफ धान ही धान पड़ा हुआ है, हम तो बर्बाद हो चुके हैं, लुट चुके हैं। कोई सरकार की नीति नहीं है, कुछ नहीं है। किसान तो क्या कहें, हम ज़्यादा कुछ कह ही नहीं सकते। इस टाइम तो हमारा जो हृदय रो रहा है, क्या करें। कौन कसूर? इसमें कसूरवार सरकार है, प्रशासन है। क्यों नहीं यहाँ से टाइम से खरीद चालू होती है? और जहाँ हर कच्चे आड़ती के जरिए 701 आड़ती के जरिए 700 क्विंटल रोज की खरीद है, लेकिन सारे प्रशासन की सरकार की मिली भगत से पूरे दिन में यहाँ पर खरीद कुल 50 ट्रालियों की होती है। बाकी तो चार चार दिन से यहाँ पाँच पाँच दिन से ट्राली लेके किसान खड़ा है, फड़ पे डाल के सुखाने को मजबूर है, क्योंकि गर्म हो जा रहा है। क्या करें, कहीं ना कहीं किसानों को परेशान करने की नीति है सरकार की। 10 महीने से किसान सड़कों पर आंदोलित है, फिर भी ये तानाशाही सरकार अंधी बहरी गूंगी हो चुकी है, जो सुनने को तैयार नहीं है। बताइए क्या करेगा किसान, कहाँ जाएगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।